सत श्री अकाल, अजीत वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर ते अजीत खबरों के इस बुलेटिन में सब तो पहला नजर मारते हैं अज दी चोणवीं खबरों से। स्कॉलरशिप घपले खिलाफ नाभा विखे अकाली दल वालों लगाया गया धरना। पंजाब के सात कांग्रसी संसद मैंबर ने दिल्ली में की अहम मीटिंग। वधिया कीमतों को लेकर कांग्रसी आगुओं ने भाजपा प्रधान अश्विनी शर्मा को भेंट किए आलू ते प्याज। दिन दिहाड़े 5.5 लाख रुपए लुट के फरार हुए लुटेरे। ते श्री हरिमंदर साहिब समेत देश विदेश में श्रद्धा नाल मनाया गया श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब। ते हुणे ना चोणवीं खबरों का विस्तार ते कुछ होर अहम खबरां। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले नूं लैके श्रोमणी अकाली दल बादल वल्लों अज रियासती शहर नाभा विच पंजाब दे कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत खिलाफ धरना देके सरकार दा पिट स्यापा कीता गया। इस धरने विच पार्टी प्रधान सुखबीर सिंह बादल ते बिक्रम सिंह मजीठिया तो इलावा समुची लीडरशिप ने शमूलियत की। अकाली वर्करां दे भारी इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं सुखबीर सिंह बादल ते बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि अकाली सरकार बनन ते इस घोटाले की बरीकी नाल जांच की जाएगी ते जो भी व्यक्ति इस विच दोषी पाया गया उस नूं जेलां विच डक्किआ जाएगा। इस मौके बोलदे उन्होंने कहा कि साधु सिंह धर्मसोत ने जो वड्डा पाप किया है कैप्टन अमरिंदर सिंह उस नूं बचा नहीं सकता। कैप्टन दे मंत्री धर्मसोत ने लखां ही दलित विद्यार्थियों का हक मारिया है। समुची लीडरशिप वालों हथ लिखित मैमोरेंडम नाभा के नायब तहसीलदार सौंपया गया जिस विच लिखा गया कि कैबिनेट मंत्री धर्मसोत के खिलाफ तुरंत बनती कार्रवाई अमल में लिया जाए नहीं तो संघर्ष को होर भी तिखा किया जाएगा। जो साधु सिंह धर्मसोत ने जो वड्डा पाप किया कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हें बचा नहीं सकते। जो पाप किया एदी सजा मिलूगी। कैप्टन से कैप्टन तो एक साल वास्ते बचा सकता है। जिस दिन सरकार बदली इस सारे की इंक्वायरी करके जो पैसा लुटिया सारा ही वापस तो कढ़ाया जाऊगा। ये तो माड़ा माड़ी गल नहीं हो सकती जिन्ना वड्डा पाप। ये गरीब बच्चों की तुसी स्कॉलरशिप गरीबों का भविष्य खराब करने वाले क्या साधु सिंह धर्मसोत है? इन्हें अपने भाईचारे का भी ध्यान नहीं रखा। ये तो माड़ी गल की हो सकती। देखो सर, साधु सिंह धर्मसोत होर जिस तरह क्लीन चिट देती करोड़ों रुपए के घोटाले की मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होर ने ये मैं समझता दलित भाईचारे के जख्मों लोन छिड़किया गया और लोग पहले ही भरे पीते पे थे। पहला तो राशन च घोटाला होया और बिजली के बिल बधाए गए, हूँ स्कॉलरशिप से घोटाला कर लिया ते अज सड़क से उतरने मजबूर होना पे श्रोमणी अकाली दल और साधु सिंह धर्मसोत को अस्तीफा देने मजबूर करा। दिल्ली में अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला के घर सोमवार को सात कांग्रसी सांसदों की बैठक हुई। इस बैठक दौरान अहम मुद्दा पंजाब विच रेलां रोकना ते डीआरएफ दे 1,000 करोड़ रुपए रोके जाना रहा। चर्चा तो बाद लुधियाणा के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि केंद्र सरकार का रवैया सही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार नूं पंजाब की आवाज सुनने की लोड़ है। उन्होंने कहा पंजाब अजिहा राज है जिसने देश लई कई कुर्बानियां कीतियां। केंद्र ने पंजाब अंदर ट्रेना बंद कीतियां हुईयां ने ते आरडीएफ का 1,000 करोड़ रुपया भी रोक लिया है, यह ठीक नहीं है। बिट्टू ने केंद्र सरकार तो सवाल पूछा कि आखिर केंद्र सरकार चाहती की है, किसानों के मुद्दे से वह संवेदनशील क्यों नहीं है। आलूआं ते प्याज दीआं लगातार वध रहीआं कीमतां नूं लैके आम आदमी महंगाई दे बोझ हेठ पूरी तरह दब चुका है। इसे मुद्दे ते अज जिला कांग्रेस कमेटी दे आगू जिला प्रधान संजीव बैंस की अगवाई हेठ पठानकोट विच भाजपा दे सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा नूं उन्हां दी बैंक कलोनी विखे स्थित निवास स्थान ते रोस वजों आलू ते प्याज भेंट करन लई पहुंचे। इस दौरान पुलिस वल्लों पहलां कांग्रसी आगूआं नूं रोकिया गया। पुलिस रोकण तो बाद भी जिला प्रधान संजीव बैंस, नगर सुधार ट्रस्ट पठानकोट के चेयरमैन विभूति शर्मा, जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन अनिल दारा समेत कुछ आगू अश्विनी शर्मा के घर के बाहर आलूआं ते प्याजा दीआं टोकरियां रख के उत्थे वापस परताए। हालांकि इस दौरान अश्विनी शर्मा अपने घर विच मौजूद नहीं सन। अज असी अपने पंजाब के प्रधान श्री सुनील जाखड़ जी का एक सुनेहा लैके आए हाँ। पंजाब के जिहड़े बीजेपी के प्रधान अश्विनी शर्मा जी नूं सुनेहा देना आए हाँ कि जिहड़ा तुसीं ये महंगाई की मार पूरे देश नूं आलू प्याजा की कीमतां गैस की कीमतां जिहड़ियां शिखरां ते लै गए हो, ये अज असीं उहनां वल्लों एक गिफ्ट देना है। दिवाली का जो तुसीं सानूं गिफ्ट दिता है ये अज उहदे असीं 100 वारी उन्हां नूं बुलाया, प्रधान जी बाहर नहीं आए। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਫਟ ਹੈ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ
तो इस तरह ही आलू प्याज गड्डी विच रखन ते दिल्ली लैके मोदी सरकार देन होर उनकी जिहड़ी सुत्ती दी सरकार आ उन्हां नूं जगान खास करके ये भी जगन तो वह भी जगन उन्हां नूं पता लगे कि पंजाब दे लोकां दा देश दे लोकां दा की हालात है। पहले उन्हां किसान मारे हुण गरीब वर्ग नूं जिहड़ी आलू प्याज जो भी घर दे विच तुहानूं कोई भी खाण दी चीज़ आ सारियां महंगीआं करतीआं इहदे नाल गरीब वर्ग ते बिल्कुल ही मारिया गया किसान इहनां पहले मारता सी उहदे नाल जिहड़ा व्यापारी वर्ग आ उह वी पहले मार चुक्या और असीं सारे अज्ज कोई प्रोटेस्ट नहीं कोई धरना प्रदर्शन नहीं एक प्यार ना पाने अज दिवाली का गिफ्ट देना और जी सुते ही सरकार आ उन्होंने जगा आया। पूरे तरन तारण जिले अंदर समाज विरोधी अंसर पूरी तरह सरगर्म ने पर पुलिस की मौजूदगी कित भी नज़र नहीं आती आम लोग लुटेरिया हथों अपनी मेहनत की कमाई तो हथ धो रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल अज पुलिस थाना भिखीविंड अधीन आते पिंड सादरा विखे हुई 5.5 लाख रुपए की लुट तो मिलती है। इस संबंधी लुट का शिकार हुए जख्मी जरनैल सिंह ने दसिया कि उसने उसके पुत्र ने जमीन ठेका देने अज दुपहरे करीब 12 बजे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भिखीविंड ब्रांच विचों 5.5 लाख रुपए कढ़ पैसे कढ़वाने मगरों वो अपने मोटरसाइकिल से वापस अपने पिंड नूं आ रहे सन कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार लुटेरिया ने वार करके उन्होंने हेठां सुट लिया। जरनैल सिंह ने दसिया कि इस मगरों लुटेरे तेज तार दातर नाल वार करके उस कोलों पैसों वाला थैला खोह के फरार हो गए। उन्होंने दसिया कि इस संबंधी उन्होंने पुलिस नूं सूचित कर दिता है। मैं ते डैडी मेरा भिखीविंडो बैंक चो पैसे लियाए कोई 12 बजे दे लागे स्टेट बैंक चो 5.5 लाख रुपया तो भिखीविंडो आए हैं तो जदों आ सांधरे वाली चक्की लग गया तो पिछों मोटरसाइकिल आया है तो उन्हें बराबर से लिया के कोई आख्या नहीं आदि दातर मारने शुरू कर दते आ जो दातर मारिया तो मोटरसाइकिल दे वजा अगे मूँह जेदे वजा तो मूँह टुट गया तो दूजा मारिया तो मोटरसाइकिल डिपया है फिर डिपया जो मोटरसाइकिल तो मेरे वाले तो नहीं तो डैडी मेरा मगर ही तो दातर मारने शुरू करते तो झोला खोह के फिर एक ने झोला खोह लिया तो भी दातर मारी गया दूजा तो फिर जो उन्हें चेत फिर मैं थले उठ के रौला पाया दो रोड़े मारे रौला पाया भी बंदे पै गए फिर उधरों कुछ इधरों मोटरसाइकिल आ कुछ उधरों आए तो मुड़ के वो फिर भज के लै गए। तो पुलिस को किन्ना किन्ने चिर का टाइम है जो ये लुट खो हुई है तो पुलिस किन्ने चिर बाद आई 12 बजे का टाइम होगा 12 बजे लागे बंदे हो गए। पुलिस किन्ने बजे आई पुलिस ने उदो फोन किया उदो तो आई नहीं बाद कहते फिर उत्थे जाके दरखास्त दी तो हुण मौका वेखण आए तुसीं की मंग करदे अहीं आने साडे पैसे वापस किए जाण। ये बलविंदर सिंह मुंडा जी इतों बूटचंद तो यह अपने पिता के नाल पैसे बैंक तो लेके आ रहा इन्होंने दसिया भी जो अं उतों पैसे लैके आए तो रस्ते जीते इन्हों तो पिछों मुंडे ने तिना जने आ खोए हूँ आप सीसीटीवी देखते हैं पिछे कढ़ाने कार्रवाई करा सर कोई मोटरसाइकिल का पता लग सकता कि हाँ भी कि नहीं अजे तीकर नहीं है मुंडे तो पता लगा कोई पिछों आए मुंडे एकदम तो हर फा गए इन्होंने तो पता नहीं लगा हूँ कढ़ते हैं सीसीटीवी देखते हैं जाके फिर कढ़ाने देखते हैं। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी का प्रकाश पुरब अज श्री हरिमंदर साहब समेत देश विदेश विच श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। प्रकाश पुरब मौके अज लखां संगतां श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक हुईयां। श्री हरिमंदर साहब श्री अकाल तख्त साहब ते गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहब विखे सुंदर जलौ सजाए गए। गुरुद्वारा मंजी साहब दीवान हाल विखे विशेष गुरमत समागम जारी रहे। श्री हरिमंदर साहब समूह विखे मुंबई दीआं संगतां वल्लों 9 टन फुलां नाल कीती गई सजावट श्रद्धालुआं दी खिच दा केंद्र बनी रही। अज दीन दुनिया के वाली धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का प्रकाश पुरब है। देश विदेश दे विच नानक नाम लेवा सिख संगतां वालों बड़ी श्रद्धा उत्साह ते भावना के सहित यह पावन पुरब मनाया जा रहा और समुचे गुरु खालसा पंथ नूं नानक नाम लेवा सिख संगत नूं दास वालों इस महान धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी के प्रकाश पुरब दीआं बहुत बहुत बधाइयां। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी ने जो महान उपदेश दिते जो महान सिक्ख्यावां दित्तियां समुची मानवता हमेशा धन गुरु रामदास पातशाह जी की ऋणी रहेगी। धन गुरु रामदास पातशाह जी की देन बहुत वड्डी है जिसनू कदे भी किसी कीमत दे उत्ते भुलाउणा जिहड़ा है वह नामुमकिन है। अज चक रामदासपुरा जिन्हों असी श्री अमृतसर साहब कह के सत्कार दिंदे आ जिथे अमृत सरोवर है सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी सुशोभित है यदी स्थापना धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी ने की। सिखी के प्रचार के प्रसार के लिए धन गुरु रामदास महाराज जी ने मसंत प्रथा की स्थापना की जिदे नाल बहुत दूर दूर तक सिखी की महक खिल रही। गुरु नानक पातशाह की विचारधारा धन गुरु रामदास पातशाह जी ने कोने कोने तक पहुँचाई।
एक बार फिर तुहानू गुरु रामदास पातशाह जी के महान इस पुरब दियां प्रकाश दिहाड़े दियां बहुत बहुत बधाइयां। लुधियाना पुलिस नूं उस वेले वड्डी कामयाबी मिली जदों अज फैक्ट्रियां विच लुट्टां करन वाले गिरोह दा पर्दाफाश करदिआं गिरोह दे मुख सरगना सने पंज मुलजमां नूं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस वल्लों मुलजमां नूं लुट्ट दी वारदात नूं अंजाम देण लई योजना बनाउण दौरान गिरफ्तार किया गया। इस संबंधी जानकारी देंदिआं SP एस टिंगरा ने दस्सिआ कि इन्हां मुलजमां वल्लों लगातार फैक्ट्रियां विच लुट्टां चोरी दीआं वारदातां नूं अंजाम दित्ता जा रिहा सी। गिरफ्तार किए मुलजमान विच मुहम्मद शुएब, मुहम्मद जावेद, सोनू हुसैन, मुहम्मद मुबारक ते सलीम शामिल ने। उन्हां दस्या कि मुहम्मद शुएब ते 7 जदके सलीम बग्गर ते 8 मामले वख-वख तरहां तहत पहला ही दर्ज ने। मुहम्मद जाहिद छोटा डॉन दे नाम नाल मशहूर है। मुलजमान कोलों तेज तार हथियारां तो इलावा 500 तो वध जैकटां ते 600 तो वध स्वैटशर्ट्स बरामद हुईआं ने ते इक महिंद्रा पिकअप भी बरामद हुई है। उन्हां कहा कि पहला भी कई वारदातां नूं अंजाम दे चुके ने ते पुलिस लंबे समय तो इन्हां मुलजमान की भाल कर रही सी। थाणा मेहरबान अधीन इन्हां मुलजमान ते मामला दर्ज कर लिया गया है। कमिश्नर पुलिस लुधियाना विच क्राइम टू की टीम वालों CA2 की टीम वालों बहुत ही वड्डी अहम कामयाबी हासिल की गई है। एक ग्रोह फड़िया गया कि जिहड़े हौजरी दियां यूनिट्स चो डाइंग यूनिट्स चो और होर फैक्ट्रियां चो चोरी करते रिपीटडली डिफेंडर से बार बार उतों चोरियां करते लखां का माल लुट के लै जाते थे तो वो गए गए फिर कितने इकट्ठे होकर एक वड्डा डाका मारन की तैयारी कर रहे थे कि जबकि CI की टीम ने इनफॉर्मेशन मिली और इमीजिएटली अरैक्ट करते हुए उस गैंग के 5 मैंबर अरैसट कर ले गए हैं जिन्हों तक उन्हों का मेन जो हैड है मुहम्मद जावेद एक पुराना क्रिमिनल है ये तो पहला भी काफ़ी 7 मुकदमे दर्ज ने डाकिया के अलग अलग जगह पर और इन्हों दूसरे दोषी है शोएब है सलीम बग्गर है इन्हों भी 8 मुकदमे ने कितने कितने होर डाके मरण के चोरिया के और ये जी कि हौजरी दैक्ट्रियाँ काफ़ी अरसे तो जो चोरी दारदात ने सर अंजाम दे रहे थे इन्हों ठल पेगी तो इन तो वैपन दांत रॉड और इन्हों एक महिंद्रा पिकअप बलैरो और एक वहीकल इन्हों मूर्ति कार इन्हों तो रिकवर की गई है तो चोरी के समान के सैकड़े दिनती स्वैटशर्ट्स और जैकट्स वो बरामद हुई ने एक बहुत अहम और वही कामयाबी हासिल हुई है। किसानां दे धरनिआं दा रोह दिनों दिन वधदा जा रहा है। धरनिआं विच हुण किसान परिवारां समेत आ रहे ने ते अज इक छोटी जिही बच्ची ने कहा कि असीं इह जो माड़े कानून लियांदे ने इन्हां नूं रद्द करवा के ही दम लवांगे। एक किसान जथेबंदी ने कहा कि जे केंद्र सरकार ने पंजाब विच रेल गड्डियां ना भेजियां तां होर राज्यां नाल मिल के दिल्ली दा दुद्ध हरा चारा ते सब्जियां बंद कर दित्तियां जाणगियां। किसान आगुआं ने कहा कि अजे तक साडियां जथेबंदियां विच इह फैसला नहीं होया पर जे लोड़ पई तां जथेबंदियां नाल मीटिंग करके इह फैसला लिया जा सकदा है। जिवें दिल्ली सरकार वल्लों मोदी वल्लों गड्डियां ना चलाउण दी गल कीती गई किसानां दे नाल किड़ा कढ़न दी जां पंजाब दे नाल किड़ा कढ़न दे वास्ते इहदे नाल नाल पराली दा भी एक फैसला आया भी 1 करोड़ रुपए जुर्माना ते 5 साल की कैद। यह केंद्र सरकार बहुत ओछे ते तुगलकी फरमान है जिहड़े वो जारी कर रही है। इहदे जवाब दे विच जिहड़ा किसान जथेबंदी वल्लों ये कहा गया है ये मैं भी संभव पिछले आने वाले दिनों दे विच जेकर केंद्र सरकार जां कोई स्टेट सरकार इस तरह के फैसले लैंदी है जिहड़ी लोकां नाल किड़ां कढ़दी है लोकां दे विरुद्ध जांदी है किसानां दे विरुद्ध उह जिहे फैसले लैंदी है तां किसान जथेबंदियां भी दिल्ली दी घेराबंदी जां वड्डे पद्धर ते इस तरह की नाकाबंदी है जिहड़ी कोई दुध जां सब्जियां जां फलां बारे वह कर सकदे आ कि वह पर वह फैसला जिहड़ा वह रल मिल के लिया जाऊगा वह किसी एक जथेबंदी का फैसला नहीं होगा वह सारी गल सोच विचार के ही की जाऊगी। बेशक केंद्र सरकार वालों एक बिल पास कर दिता गया है कि जे कोई किसान पराली नूं अग लगांदा है तो उसनों 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा या फिर उसनों 5 साल की सज़ा हो सकती है। बावजूद इसके अज बठिंडा के नेड़े पिंड कोठे सपूरा सिंह विखे किसानों ने 100 तो 125 किले झोने की पराली नूं अग ला दी। उन्होंने कहा कि असी शौक नूं अग नहीं लगा रहे साडी मजबूरी है सरकार इसका प्रबंध करन असी पराली नहीं साड़ांगे। उन्होंने कहा असी केंद्र सरकार दीआं धमकियां तो डरन वाले नहीं। सरकार वालों जो किसानों के विरोधी ये फैसले ले जा रहे हैं जिहड़ा कोई किसान है असं 15 तो 20 दिन प्रदूषण करते हैं सानू भी पता है पोल्यूशन माड़ा है पर पहला यह साढ़े आपके घर जाता है सानू कोई ये सार्थक हल नहीं दिता गया सो साडे कोले आखिरी हल बचता अग लाउंदा। जितों तक उन्होंने जुर्माने की गल की असं पहला भी कई स्टेजा तो बेनती की है जथेबंदियों के कि असी धरने प्रदर्शनों बिजी हैं
बेनती उन्होंने ये है भी उन्होंने शुक्रिया अदा होगा जो इतने आके जुर्माना लै जाए, नहीं तो 26 तरीक न करोड़ करोड़ के चैक असं ले आवेंगे दिल्ली, जुर्माना लैके लैन सा साढ़े तो कोई मामले दर्ज हो जी, चाहे किसान फांसी तक की प्रोविजन कर दे, पर किसानी इन्होंने बिल्कुल आपदियां गलत नीतियां ना खत्म करती है। सो असी हुण इह जे मोदी सरकार साढ़े ना अड़न वाली पोजिशन च रहूगी तो असं इहनूं अड़के दिखावांगे, जो भी फैसले करनगे बच्चा बच्ची झोक देंगे, पर असी ये फैसले इन्हां दे प्रवान नहीं होण देंगे। राजपुरा दी कालका रोड ते 3 किलोमीटर तो वध लम्मा जाम लग्या रहा, पुलिस वलों काफ़ी कोशिश की गई पर त्यौहारां दे दिनां विच लोक घरां विचों राजपुरा दे रेलवे ओवरब्रिज तो ही टाउन जांदे ने जिथे मेन बाजार है। राजपुरा दे रेलवे अंडरब्रिज की 3 महीने तो उसारी चल रही है ते ए रस्ता भी मुकम्मल तौर पर बंद किया होया है। हुण रेलवे विभाग वलों ICL फाटक भी बंद कर दिता गया है क्योंकि रेलवे लाइनां की मुरम्मत की जा रही है, जिस कारण सारे राजपुरा दा ट्रैफिक राजपुरा दे रेलवे ओवरब्रिज तो लंघन कारण जाम लग गया, जिस तों लोग काफ़ी परेशान हुए, लोग कई घंटिया तक जाम विच फसे रहे। महल कलां दे BDPO कंपलैक्स अंदर उसारियां जाण वालियां 20 दुकानां दे ड्रॉ पिछले 10 महीनों तो ना कढ़े जाण तो रोह विच आए दुकानदारां ने अज BDPO दफ्तर महल कलां दा किराओ करके BDPO महल कलां नूं ही उस दे दफ्तर अंदर बंदी बना लिया। दुकानदार यूनियन दे आगुआं ने दोष लगाया कि फरवरी 2020 विच 20 दुकानां लई 50,000 रुपए दे डिमांड ड्राफ्ट समेत अर्जियां लईयां गईयां सन, पर हुण तक ड्रॉ नहीं कढ़े गए। 10 महीनियां बाद हुण महकमे दे अधिकारी अर्जियां वापस करन दी गल कर रहे ने, जदके दुकानदारां वल्लों दुकानां दे ड्रॉ कढ़न दी मंग कीती जा रही है। दुकानदार यूनियन दे आगू हरदीप सिंह बिहला, जगदीश सिंह पन्नू ने मंग कीती कि विभाग दुकानदारां नाल कीते वादे अनुसार दुकानां दे ड्रॉ तुरंत कढ़े, वरना इह संघर्ष अणमिथे समें लई जारी रहेगा। इस नाल ही अजीत खबरां दा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है, कुछ होर नवीं खबरां नाल फिर तो हाजिर होवांगे, तद तक लई आग्या दिओ, सत श्री अकाल।